वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डोलिया का रखा है वही दरवाजे पर रखा है, देखिए। क्यों जी पार्था, सुबह सुबह नहाकर जो घर से निकला मेरी पूजा खत्म हो गई पर अभी तक नहीं आया। वो कहाँ आने वाला है, सब तुम्हारी दी हुई शिक्षा है। गांव के मूर्ख किसानों की पहले मदद करेगा फिर पूजा पाठ करके घर आएगा। उसे पढ़ना चाहिए, पढ़कर वकील बनना चाहिए, घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, इसकी चिंता है उसे। तुमने उसे सर पे बिठा रखा है। देखिए वो अभी तक नहीं आया इसलिए पूछा बस, और इसके लिए इतना बड़ा भाषण देने लग गया। अपने बेटे को मैं खुद ही जाकर लेकर आऊंगी। हाँ लेकर आओगी, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे हाथ लगेगा? आज उसे ढूंढने के लिए तुम्हें गाँव में दूरबीन लेकर घूमना होगा। Come on। मौसम है देखो ये आया, नई बहारें लाया। भूमि की पूजा आ, गणपति पूजा आ, धान की पूजा आ, गाय की पूजा। झूमो नाचो गीत गाओ, आया खुशियों का दिन। झूमो नाचो गीत गाओ, आया खुशियों का दिन। रंगों भरी है ये रंगोली, खुशियाँ मनाओ मेरे हम झोले। रंगों भरी है ये रंगोली, खुशियाँ मनाओ मेरे हम झोले। फसलों का दिन है ये, खेती का दिन है ये। हर साल आता है, खुशियाँ लाता है। सबको नसीब आज आता है, मेहनत का फल पाया है। छट गया है ये दुख का अंधेरा, आया है नया सवेरा। भूमि की पूजा हाँ, गणपति पूजा हाँ, धान की पूजा हाँ, गाय की पूजा हाँ। रंगोली खुशियाँ मनाओ मेरे हम झोले। रंगों भरी है ये रंगोली, खुशियाँ मनाओ मेरे हम झोले। झूमो नाचो गीत गाओ, आया खुशियों का दिन। झूमो नाचो गीत गाओ, आया खुशियों का दिन। सुन रही हो, जरा सुपारी लाना। हाँ ला रही हूँ। देखो आ गया तुम्हारा लाडला। गांव के बैल को खुला छोड़ने से खेत में चर के अनाज खराब करते हैं, और हमारे घर का बैल पूरे गांव को खराब कर रहा है। मैं गांव को खराब करने नहीं गया था, मैं तो गांव वालों को बस वो थोड़ा सा पता है। बेटे, हम दोनों से ज्यादा तुम्हें गांव वाले प्यारे हैं। पता है ना माँ, यहाँ पर सिर्फ आप दोनों ही हैं। लेकिन बहुत मारूंगा तुझे निकम में कहीं के। अरे इसमें थोड़ी भी घर की जिम्मेदारी है? देखो कैसे जा रहा है। काबिल बनकर कहीं काम ढूंढकर मरने से पहले माँ बाप को खुश रखना चाहिए। ऐसी थोड़ी भी समझ नहीं है क्या तुझमें? मरने से पहले ना हो जाएगा। देखा किस तरह जवाब देता है। आज से खाना मत दो, भूखा रहेगा तो पता चलेगा। आहा, क्या औलाद पाई है हमने। मुझे नींद नहीं आ रही है। वो भूखा ही सो गया होगा, ये मैं नहीं देख सकता। अच्छा ऐसा करो, उसे खाना खिलाओ और जरा समझाओ। क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे आराम से होना चाहिए था माँ। मैं हर चीज में आगे था, कोई भी मेरे सामने नहीं टिका। बहुत मजा आया। खाओ बेटा, तुम्हें होना चाहिए था। खाओ बेटा, तुम्हारी बात मानती हूँ बेटा, फिर भी तुम्हारे पिताजी के सामने उनकी बात मानने जैसा नाटक तो कर सकते थे ना। नाटक नहीं कर सकता माँ, मुझे बहस करना नहीं आता। सही है, बहुत शरीफ हो। हाँ हाँ हाँ, खाओ खाओ बेटा खाओ। घी मिलाया है कि नहीं उसके खाने में? हाँ हाँ घी ना, हाँ हाँ डाला है, घी डाला है। अरे अरे आराम से बेटा, पानी तो पिलाओ उसे। हाँ हाँ पानी पी पानी पी पानी पी। थोड़ा आराम से खाने को कहो। सभी लोग खाने के लिए तकलीफ उठाते हैं, ये खाना खाने के लिए तकलीफ उठा रहा है। ताना मत मारिए। खाओ बेटा। नहीं बस बेटा, सिर्फ एक निवाला खा ले। मैं और नहीं खा सकता। खाना नहीं खाना है तो जरा छाछ पिला दो उसे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए, क्या कहा सुना ना? हाँ सुना। माँ थोड़ा सा छाछ पिला दो, उनका हुक्म है। एक बात पूछूं? क्या है बेटा? उम्र हो जाने पर सभी लोग पिताजी की तरह सठिया जाते हैं। मारूंगी देख। अरे नाराज क्यों होती हो, बस ऐसे ही पूछ लिया। सर चिट्ठी आराम से ले जा। कहाँ से आई है? जल्दी आ भाई, कितने डिब्बे हैं? 8 है मालिक। कमला, बातें क्या कर रही है? काम कर, जब देखो तो बातें करती है। अर्था, तू कपड़े क्यों पैक कर रहा है बेटे? जिम्मेदारी जो निभानी है, बैंगलोर जाके एग्जाम देकर काम ढूंढने जा रहा हूँ। मैं यही खड़ी हूँ, धीरे से बोल। जिसने कहा था मरने से पहले हम लोगों को खुश रखेगा कि नहीं, उसे सुनाने के लिए कह रहा हूँ। ओहो, ये साहब बेंगलोर में किसके महल में रहेंगे तुमने पूछा क्या? हर मुसीबत में मुझ पर जान देने वाले दोस्त हैं वहाँ पर, उन्हीं के घर में रहूंगा। जान देने वाले दोस्त कहीं इसकी जान न ले लें, होशियारी से रहेगा इसे कहो। क्या हुआ? क्या माँ? वहाँ तुम्हारे भाई का भी तो घर है। माँ, भाई एक बार अपनापन निभा सकता है, पर भाभी अपनी हो सकती है क्या? फिर मुझे क्यों फोर्स कर रही हो? अरे बेटा, भाई से ज्यादा तुम्हें अपने भाभी से प्यार है ना? माँ, कल अगर मैं उसके घर पर रहने चला गया और उसने भाड़ा मांगा तो ये बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? वो ऐसा नहीं है बेटा, वो तो। माँ चुप रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहीं भी रह लूंगा। अब चलो, हाँ तो चलता हूँ। अरे बेटा, अपने पति से देना। ओ जी, सुना आपने? क्या है? ये दोनों सगे भाई जो है वो जानी दुश्मनों की तरह एक दूसरे से पेश आते हैं। अरे इसकी आदत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बच्चों की तरह जिद करता रहता है और आखिर में वही करता है। पता है मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है? मस्जिद तक होता है। ये यहाँ से निकलकर अपने मामा के पास जाएगा। वो क्या है जी, नई जगह है, अगर ऐसा वैसा हो गया तो? इसे कुछ नहीं होगा। ये जिस जगह पे पैर रखेगा उस जगह का सत्यानाश होगा। क्या हुआ? बहुत बेकार है बीड़ू। तो आठानी की सिगरेट और कैसी होगी? दे मुझे पाठा, मैं भी एकदम मार लेता हूँ। क्या हुआ, तुझे झटका लगा? सोचा बीड़ू नाक से धुआं निकालू, नहीं निकला। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ला दे मुझे। हमारे घर में चूल्हा जलाने से ऊपर चिमनी से धुआं आता है, पता है? वाह पार्था, तू क्या झट से धुआं निकालते हो? ये सब कहाँ से सीखा? इसमें भी मेहनत है यार, साधना करनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा है अभी और दम मारने का शौक है। बड़ी साधना किए हुए आदमी की तरह धुएं को नाक से छोड़ता है, नाक से। पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेगा ये सोचकर स्कूल भेजा तो डपूरीगिरी कर रहा है। इस तरह क्या देख रहा है? तो मैंने सिगरेट पे ये गलत किया या काबिल बनने से पहले पिया ना, वो गलत किया? दोनों ही। तो फिर तुम पीते हो, गलत नहीं क्या? देखा नहीं, देखता तो बताता। बहुत मारूंगा तुझे, बहुत बोलने लगा है। क्यों हमें परेशान करता है? हा? तुम अच्छे से पढ़ो, इसलिए तुम जो मांगते हो हम लेकर आते हैं। तुमको पढ़ लिख कर मेरी तरह विद्वान बनने की ख्वाहिश नहीं है क्या तुम्हें? है। फिर तुम पढ़ने के टाइम पर छुप छुप के सिनेमा देखने क्यों जाते हो? हा? तुम भी पढ़ने के टाइम छुप कर थिएटर जाते थे, ऐसा माँ कह रही थी। हमारे मास्टर जी अपनी पैड खोलकर क्यों भागे थे पता है? क्योंकि उनकी पैड में मैंने कॉकरोच डाल दिया था। फिर इस महाशय ने क्या किया? वो घटिया बात भी मैं ही बताऊं क्या? इसी से पूछिए अपने सपूत से, इसने क्या गुल खिलाया है। ये पार्था, क्या किया तुमने? ऐसा कुछ नहीं किया। मार खाएगा तू, अभी तक ठीक से पूछ नहीं आई। और तुम चुप रहो, तू बोल बोल। तू नहीं बोलोगे तो छड़ी से मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बोल। तालाब के पास। हाँ बोलो। तालाब के पास। तालाब के पास मुखिया की बेटी के साथ भाई जो करता है। हाँ? वही मैं भी कर रहा था। अरे राम राम राम, सुना? बैंगलोर 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 आज उतरिए, चलिए उतरिए। विजयनगर चलोगे? आदमी को मार रहे हैं, छोड़ो मुझे। सर रुकिए सर, वो लोग दादा बलराम के गुंडे हैं सर। आप उनके लफड़े मत पड़िए सर, जाइए। घर में आप नए आए हैं, वो से मार देंगे। आप जाइए सर, आप जाइए प्लीज, जाइए। आप गरीब आदमी है, कमाल पंगा लेता है उससे। अबे हाय अंकल, बहुत मोटा हो गया रे। मम्मी मेरे चाचा आ गए हैं। और पार्था कैसी है? बस बुआ ड्रामा, इसकी जरूरत नहीं है। कितनी बात तुम्हें घर आने के लिए कहा और अब आ रहे हो। माँ पिताजी कैसे हैं? अच्छे। और तुम कैसे हो? अच्छा। और अचानक कैसे टपक पड़े? हाँ वो आप मेरे हालचाल पूछ रही हैं और किसी का चेहरा कुछ और बता रहा है। हमारे घर की यही खासियत है, देखना अलग जगह, बोलना अलग तरह, सोचना भी अलग तरह का होता है। खैर छोड़ो इसे, अचानक कैसे आए? एक एग्जाम था यार मेरा और तुम सबसे मिलना भी था, इसलिए आ गया। अब जरा पेट पूजा वगैरह करके बाद में दोस्तों के घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ ऊपर के रूम में काफी गंदगी है, साफ कर दो। हाँ कर दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम हाथ धोकर नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ खाना जरा कम परोसना, नहीं तो बाद में खीर नहीं खा पाऊंगा। खीर खा नहीं पाऊंगा? लेकिन आज तो मैंने खीर बनाई नहीं है। होगी तो खाने की सोच रहा था। और हाँ भाभी, हाँ? मनपसंद खाना खिलाने के बाद यहीं पर रहूंगा ऐसा मत सोचना, मैं अपने दोस्त के घर पर ही जाऊँगा। स्टूपिड, इतना ड्रामा करता है। दोनों भाई एक जैसे हैं, आखिर दोनों एक ही खून है ना। अनु, हाँ? उसके एमबीए एग्जाम का प्रवेश पत्र जहाँ से मिलेगा, हाँ? वो हमारे ऑफिस के पास, हाँ? है। उसे जल्दी कहो तैयार हो जाए, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। पार्था सुन लिया, हम जैसे गरीबों के लिए सरकार ने बस बनाई है, मैं उसी से चला जाऊंगा। क्यों जी? हाँ सुना सुना, वो लिंक रोड से सीधा जाके। हाँ जाके। अरे बोलने से समझेगा नहीं, एड्रेस लिख के देता हूँ। खाना तैयार है? हाँ लो एड्रेस। किसका? वो एड्रेस नहीं देंगे तो क्या मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? फिर भी रख लेता हूँ। हाँ? तुम्हारे साथ खाना खाए हुए काफी दिन हो गया है, रात को खाने पर इंतजार करना। हाँ ठीक है। क्या भाई ये दोनों सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं। अनु, हाँ? रसोई घर के अलमारी में लहसुन की चटनी है, उसे पसंद है दे दो। दे दूंगी। हाँ सब कुछ बताना पड़ता है इसे। लहसुन की चटनी अभी लाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आओ मेरे साथ आओ। पर तुम्हें कैसे पता चला? एक्सक्यूज मी, यहाँ एमबीए एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र कहाँ मिलता है? यहाँ बाजू में हॉस्पिटल है ना, वहाँ जाइए दे देंगे। तुम जरा चुप रहो, देखिए हमें नहीं पता इसलिए हम भी। क्या सर, कॉलेज में आकर प्रवेश पत्र कहाँ मिलेगा पूछ रहे हैं? और कहाँ मिलेगा? कॉलेज ऑफिस में मिलेगा ना। हाँ वही पूछ रहे थे, ऑफिस कहाँ है ये हमें जानना है। सीधे जाकर लेफ्ट टर्न लीजिए, वहीं पर है सामने। हाँ। ये क्या गुरु, इतनी लंबी लाइन है? यहाँ सिर्फ प्रवेश पत्र देते हैं या फिर खाना भी देते हैं? तुम जरा चुप रहोगे? अरे गुरु आइडिया सोचना पड़ेगा। मुफ्त में खाना मिलने वाली जगह पर भी इतनी भीड़ नहीं होती, और तुम्हें मिलने वाले काम के लिए एग्जाम लिखने के लिए इतनी भीड़ लगी है ना। और कोई रास्ता नहीं है, आओ लाइन लगाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ गणेश? क्या हुआ गणेश? प्लीज प्लीज इसकी मदद कीजिए। गणेश गणेश क्या हुआ? क्या हो गया गणेश? क्या हो गया गणेश? चलते हैं डॉक्टर के पास। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ? किसी को फिट आ गया है। अरे बेचारा। आईडी कार्ड। Thank you. It's all right. पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। Excuse me. अरे माँ, अब ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। ये चाबियाँ किसकी है भाई? थैंक यू भगवान, आपका भला करे। आप चाहिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चल गणेश, तुम्हें आइडिया कैसे समझा रहे? थिएटर में लंबी लाइन देखकर इसी तरह से टिकट लेता था। अरे रुको, अरे रुको, अरे 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 मैं भी आ रहा हूँ। उसके साथ तुमने इंग्लिश पिक्चर देखा? एक्सक्यूज मी, ये बुक पकड़िए। इडियट। तो बात नहीं आएगा। बुक फेंक दिया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लूंगा। इडियट। बस के पीछे अगर ऐसे ही भागते रहे तो एक दिन ओलंपिक का मेडल मिलेगा हमें। अरे पीटी ऊषा ने भी इसी तरह बस के पीछे दौड़ दौड़ के गोल्ड मेडल लिया था। धक्का मत मारो यार। अरे धक्का क्यों मारते हो यार? क्या कर रहे हैं यार, आवाज़ बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या सिग्नल है भाई, कितनी ट्रैफिक हो गई है। भैया नमस्ते। भैया देखो, बस में लटक कर जाना ठीक नहीं है। गाड़ी पर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही कंफर्टेबल हैं, बोल दो। और अगर किसी को ड्रॉप करना ही है तो हट हट। आप बैठिए, आप जाइए जाइए जाइए, बैठ जाइए, अपनी बाइक समझिए, जाइए। हाँ आराम से बैठना, पकड़ के जरा, घर तक छोड़ देंगे आपको। साला मर रहा है फिर भी जिद नहीं छोड़ेगा। ये भाई ड्यूटी के लिए देर हो रहा हूँ, जल्दी चलो। चाचा जी कल इसी जगह पर मिलना, कल भी ये ड्रॉप करेंगे आपको। अरे चल रहा हूँ भाई। हे गणपति, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं MBA का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक से पढ़ा नहीं है, पास कर देना ऐसा नहीं कहूँगा। पास होने के लिए रिश्वत देने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे एग्जाम का पर्चा चेक करेगा वो अच्छा आदमी होना चाहिए, घर में बीबी से लड़का ना आए, और अच्छे से मेरा पर्चा चेक करे। बस इतना ही, बस इतना ही। आपके हंसने की वजह क्या है? कि आपका पेपर चेक करने वाले अच्छे व्यक्ति को ये गणेश जी कैसे भेज सकते हैं? मैडम अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि आपको बच्चे हो इसलिए आप गणेश जी के मंदिर में मन्नत मांगने आई हैं। क्या मैं जब भगवान गणेश जी आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो फिर हमारी इच्छा क्या है? आप प्रार्थना कीजिए। ओके गणेश जी, ओके। जो घंटी बजाई वो गणेश जी को सुनने के लिए या फिर पूरे देवलोक को सुनने के लिए? दोनों को, टू इन वन। घंटी को भक्ति से बजाना चाहिए, उसे भंग मत कीजिए। इस शोर से आपने जो मांगा होगा वो गणेश जी भूल गए होंगे, उन्हें फिर से याद दिलाइए। life. भाई मैं शाम को आ जाऊंगी। ये क्या, आप भगवान को छोड़ के मेरे पीछे आ गए? वो क्या है कि आपने मुड़ के देखा तो बात करने चला आया। अच्छा, मैं सुंदर हूँ इसीलिए ना? मैं अच्छी बातें करती हूँ, मेरी आंखें अच्छी है, मैं हंसती हूँ तो अच्छी लगती हूँ, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सब मुझे पता है, किसी ने बोला होगा ना। 20 सालों से मैं खुद को आईने में देख रही हूँ। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 1983 की होगी, सही है ना? सही। आपको कैसे पता चला? 10वीं फेल लड़के जब लड़कियों के साथ रहते हैं तो काफी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। आप लड़कों की बात कर रही हैं, लड़कियाँ भी कम नहीं होती। हाँ, लड़के पीछे आ रहे हैं, ये जानते ही चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। क्यों? मतलब आप मंदिर में पूजा करने नहीं आते बल्कि लड़कियों को देखने आते हैं। हाँ, तो आप लड़कियाँ कौन सी कम है? भक्ति में मगन रहने की बजाय आपने आगे पीछे कौन मर रहा है ये देखने की क्या जरूरत है? बोलिए, सही बोला हूँ ना? अगर इतनी ही भक्ति है तो घर में पूजा करें, मंदिर में क्यों आते हैं? भगवान तो हर जगह पर है। आप बहुत चालू है। थैंक यू। देखिए रूपा जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम रूपा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, आप देखने में बहुत सुंदर है इसलिए रूपा। किसी भी नाम से मत बुलाइए, मेरे माँ बाप ने हजारों रुपए खर्च करके नामकरण करवाया है। ओहो, तो एक काम कीजिए, आपके माँ बाप ने आपका जो नाम रखा है वही बता दीजिए, उसी नाम से पुकारूंगा। फातिमा। फातिमा और मंदिर में, ये कैसे हो सकता है? कहीं हिंदू और मुसलमान की मिलावट तो नहीं है? फातिमा जी, सॉरी फातिमा जी, फातिमा जी, हाय। ओह, मैं वो मंदिर में मिला था। आप ये मस्जिद में कैसे? फातिमा मुसलमान होकर जब गणेश जी के मंदिर में जा सकती है तो मैं अल्लाह से मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकता? बोलो, क्यों मैंने कोई गुनाह किया? देखिए मेरा दिल साफ है, मैं जात पात भेदभाव नहीं मानता, मेरे लिए सभी भगवान एक है। वो कैसे पता है? सुनिए, रमजान में राम है, दिवाली में अली है, तो फिर भेदभाव क्या करना? क्यों? देखिए रमजान रमजान, दिवाली दिवाली, सही है ना? सिंपल। हाँ। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी भी क्या है? यही बात अयोध्या में जाकर 10 लोगों के सामने बोलते तो शायद सब लोग समझ जाते। अरे आपको बता दिया ना, आप जाकर बता दीजिए। ये बात किसी हिंदू या मुस्लिम से कहते तो अच्छा होता, क्रिश्चियन से नहीं। क्रिश्चियन? हेलो, ये क्रिश्चियन कौन है? मैं हूँ, मेरा नाम फातिमा नहीं है। तो फिर? स्टेला। लगता है किसी भगवान को नहीं छोड़ेंगे आप। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? यहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, खरीदने आया हूँ। What? वैसे चर्च में लोग क्यों आते हैं? प्रे करने के ना। जो ईश्वर नहीं देगा वो कम से कम जीसस देगा, ये सोचकर मांगने आया हूँ। मांगिए। मांगूंगा, जरूर मांगूंगा। Excuse me. एक्सक्यूज मी नेहा। बुक्स दीजिए। फातिमा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आपका ये नाम अच्छा है, नेहा। क्यूट नेम, बुक में देखा। बुक्स दीजिए। नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगी ये बताइए, तब बुक दूंगा। ओहो, मुझे देर हो रही है, प्लीज। एक काम करते हैं, मिलने की बात छोड़िए, एटलीस्ट एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो दीजिए। हाँ प्लीज। आप तो बहुत होशियार है ना, बिना बताए टपक जाते हो। तो ढूंढ कर आइए। ये बताइए कि आप मुझे परेशान करने के लिए कह रही हैं या मेरा इम्तिहान लेना चाहती हैं? फिलहाल बुक्स दे दो, मेहरबानी होगी। अगर ये बात है तो एटलीस्ट एक थैंक्स कह दीजिए, दे दूंगा। किसी अनजान इंसान ने मदद की तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, किसी अपने को नहीं। मतलब? नथिंग, थैंक्स, इट्स ओके। बुक दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। ये प्यार सिखा दे तू मुझे, ये प्यार सिखा दे तू मुझे, है इश्क चीज क्या बता मुझे, ये जादू क्या हो रहा, ये दिल मेरा खो रहा जाने क्यों, ये प्यार सिखा दे इश्क चीज क्या बता मुझे। हुआ कैसे हुआ क्यों ये हुआ तू ही बता, दिल ही दिल में प्यारिए। ये प्यार सिखा दे तू मुझे, है इश्क चीज क्या बता मुझे, ये जादू क्या हो रहा, ये दिल मेरा खो रहा जाने क्यों। तुम भी ना यारो ऐसी है वैसी है, कहकर आसमान में उड़ते रहते हो। वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, क्या करती है, कुछ भी उसके बारे में पता भी है? एक बात बताओ, बेंगलोर की आबादी कुल कितनी होगी बता सकते हो? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस आबादी में वो भी तो शामिल है ना। मिल जाएगी, जाएगी कहाँ? बुढ़े का लव लेटर मेरे लिए। किसी ने नहीं दिया ना। बढ़िया। हेलो, हाय, एक मिनट, सॉरी। हाय हाय, आपसे मिले एक हफ्ता हो गया। मुझे ना उठते बैठते सोते हुए आपका चेहरा दिखाई देता है। अब आप हंस क्यों रही हैं? आपको नहीं पता मेरी हालत क्या हो गई? अपना काम कीजिए। देखिए, वो मेरी हालत पर हंस रही है, पर आप तो मेरी हालत समझ सकती है ना। अब तो आपका नाम भी जानता हूँ। एटलीस्ट आपके घर का टेलीफोन एड्रेस कुछ तो दीजिए प्लीज। प्लीज। नाम जानते ही अपने बारे में सब कुछ बताना कोई रूल है क्या? रूल्स ही मैडम, रूल्स ही है ये। सुनिए जरा, रुकिए तो। मैंने आपको बताया था ना, मेरा नाम पार्थ है, हुबली का रहने वाला हूँ। इसी तरह आपको भी बताना चाहिए। बताइए बताइए। आप लड़के हैं, बिना पूछे ही सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं। मगर हम लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। अरे ऑटो, अब किसे कैसे बताऊँ? देखिए, आप प्लीज मुझे यहाँ वहाँ दौड़ाते मत रहिए। मुझे बताइए खुद मिलने कब आएंगे। वैसे मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। शुक्रिया। मुझे एक बार क्या देख लिया, पीछे ही पड़ गए। तो आप जरूर पिटने वाले हैं। प्लीज से मैं यहाँ पिटने के लिए ही आया हूँ, मेरा दर्द समझिए। अब अरे कुछ तो बताइए, कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? किस्मत में रहा तो यही कहीं फिर मिलेंगे। चलो ड्राइवर। फिर कब मुलाकात होगी? कुत्ते भी पास नहीं आएंगे कभी। मुझे आगे तक छोड़ दे। घूर के क्या देख रहा है? चल। क्या साहब, आज तक तो आप लोग सिर्फ ऑटो वालों से ही लिफ्ट मांगते थे, अब कार वालों से भी मांगेंगे। क्या हुआ यारे, भाई की तरह घूर रहा है? आज के बाद भाईगिरी सब बंद। अगर खुद को भाई कहने वाला या उसके आदमी मुझे मिले तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। मैंने सुना है कि कोई बलराम नाम का आदमी अपने आप को बड़ा भाई कहता है। इस एरिया में नया इंस्पेक्टर है क्या? आपने बलराम भाई को देखा है? अब तक तो नहीं देखा है। सुबह उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर अरेस्ट कर लूंगा। अगर उसने ज्यादा नाटक किया ना तो एनकाउंटर कर दूंगा। भाई का एनकाउंटर करने से पहले आप बलराम भाई को एक बार देख लीजिए। गाड़ी में कुछ आवाज आ रही है, रोक जरा। गाड़ी में आवाज कैसी आ रही है? ठीक से चेक नहीं कर सकते क्या? गाड़ी में कुछ आवाज आ रही है, देख जरा। भाई फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुबह देख लूंगा। ठीक है बैठो। खोल रहे। सर मुझे बचाइए सर, मेरी मदद कीजिए सर, भगवान के लिए मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए सर, सर मुझे बचा लीजिए सर, भगवान के लिए सर, एक सर करने में नहीं आता, बचाइए सर, मेरी मदद कीजिए सर, मुझे बचाइए सर, तुम्हारी ही तरह एक ऑफिसर था, मेरी बात नहीं मान रहा था। हाँ, हाँ, ले वाकई तू जिगर वाला है, तो ये चाकू लेकर FIR दर्ज करके अरेस्ट कर, नहीं तो फिर इसे धोकर अपनी बीवी को दे, तरकारी काटने के काम आएगा। हाँ काले मेरे घोड़े, काले मेरे घोड़े, गुड़िया जरा संभल के, खेल बहुत हो चुका, अब जाके खाना खा लो। डैडी को आने दो। उसके आने जाने का कोई भी सही वक्त नहीं होता है, उसके लिए तुम लोग क्यों भूखे मरते हो? वो जल्दी आएंगे इसे कहकर गए थे। पैदा मैंने किया, उसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, सोचकर तुझसे शादी करवाई, तुम्हारी भी यही हाल है। हाय गुड़िया, आजा बेटा। क्या माँ मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? अच्छा या बुरा है? अच्छा कैसा रहेगा बेटा, एक अच्छा बेटा नहीं बने, एक अच्छे पति नहीं बने, जल्दी घर आकर सबको घुमाने ले जाओगे कहा था ना, कभी एक दिन भी लेकर गए हो क्या? लेकर गया था ना माँ, शादी के दूसरे ही दिन भगवान की पिक्चर दिखाने ले गया था, और जब हमारी गुड़िया पेट में थी ना, तब वो कौन सी सांप की पिक्चर देखकर तुम भी डर गई थी ना? एनाकोंडा डैडी। हाँ एनाकोंडा। इतना सब करने के बाद मैं एक अच्छा पति साबित हुआ ना, ठीक कहा ना पुष्पा? हाँ? देखा माँ, सुना, पूरा शहर डरता है तुमसे। तो क्या तुम्हारी बीवी नहीं डरेगी? देखो 11 बज चुके हैं, बच्चों को भूख भी लगी है, इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ। मम्मी खाना जल्दी लाओ ना, बेचारे बच्चों को बहुत भूख लगी है। रुको अभी दे दे, इतनी देर लगाती हो, जल्दी खाना खिलाओ। इसको देखो ना कितना उतर गया है, जल्दी दो। रुको देती हूँ। चलो मुँह खोलो। डैडी एक गुड न्यूज है। क्या बात है बेटा? मैं क्लास में वाह 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 वाह, मेरी गुड़िया वाह। डैडी मुझे भी फर्स्ट क्लास मिला है। वेरी गुड। अरे ठीक से तो देखिए। गुड। पूरे शहर में मैं नंबर 1 हूँ, और क्लास में तुम लोग नंबर 1 हो। सपना तुम्हारा मार्क्स कार्ड कहाँ है? आई एम सॉरी डैडी, मैं फेल हो गई। तुम अच्छी तरह से तो पढ़ रही थी, फिर फेल कैसे हो गई? अच्छा जाने दो, अगली बार जरूर पास हो जाओगी। ठीक है डैडी। बच्चों को और खाना दो। कौन है आप? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिशियन को पता है मैं कौन हूँ। तुझे नहीं पता? बलराम हूँ मैं। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? TAS पब्लिक स्कूल की 7वीं कक्षा की क्लास टीचर तुम ही हो ना? हाँ हूँ। मैं नंबर 1 हूँ, अपने बच्चों को भी नंबर 1 देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने फेल कर दिया। किसको? तुम्हारे स्टूडेंट, मेरी बेटी सपना को। वो थोड़ी वीक है। दूध अंडा खिलाते हैं उसे। मेरा मतलब पढ़ाई से है। झूठ बोले कि तू काट डालूंगा। मैं जो पूछता हूँ वो सही बताती है। ए फॉर बोले तो एप्पल बोलती है, B फॉर बोले तो बॉल बोलती है, और कुछ पूछने पर व्हाट इज योर नेम क्या? हाँ ये पूछे तो सही नाम बताती है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? 4 क्लास तक। हाँ वो अब 7वीं में है, पोर्शन ज्यादा होता है। तो ठीक से पढ़ाना चाहिए। मैं तो ठीक से ही पढ़ाती हूँ। इतने साल से अपनी बेटी को पाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं उसके बारे में। रिश्वत देकर टीचर बन जाते हो, पढ़ाने तो आता नहीं है, बच्चों को फेल कर देते हो। तुम टीचर के काम करने के लायक नहीं हो। या तो तुम इस्तीफा दे दो या फिर सपना को फर्स्ट रैंक दो। क्या सोच रही हो? मैं इस्तीफा दे दूंगी। हाँ, पहले यही काम करो, बच्चों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। चलता हूँ, गुड मॉर्निंग। शारदा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, इसीलिए कहते हैं बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की है। There is no problem at all, मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, नहीं, ऑफिस आकर फोन करूंगा। आप क्या खाएंगे? Okay, I will get back. Bye. इडली खाएंगे? नहीं, इडली नहीं खाऊंगा, कुछ और है क्या? हो जाएगा। इसमें उपमा है। नो, नए बाइक की चाबी यहाँ रखी है, तुम्हारे देवर को ले जाने के लिए कहो। इनसे कहो भगवान ने जो पैर दिए हैं वो अभी सही सलामत है। पैर सलामत है तो बस में लटक कर क्यों आ रहा था, पूछो इससे। पैर दर्द कर रहे थे इसलिए दोस्त जबरदस्ती बस में ले गया। फिर भी हमारे घर में रहने वाला टपूरी की तरह बस में ट्रेवल करते समय पुलिस के चंगुल में फंसकर फाइन भरे तो हमारी इज्जत जाएगी। इस पार्था से पंगा लेने वाला कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है, इन्हें बता दो भाभी। मम्मी यहाँ होगी तो बताएगी ना। मम्मी तो किचन में चली गई। जब दोनों पास में बैठे हैं तो ऐसा नाटक क्यों करते हैं आप? सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना, अजीब बात है। हाँ ठीक है, चाबी रख ले। किसी और की बाइक मुझे क्या करनी है, नहीं चाहिए। ठीक है, बता चाहिए या नहीं। एक बार नहीं कहा तो समझ में नहीं आता, नहीं चाहिए। ये नहीं सुधरेंगे। अंकल, हाँ? मामी मुझे एक दिन अपने फ्रेंड के घर ले गई। उस दिन से मुझे एक डाउट है। क्या? कुछ गोद भराई की रस्म कर रहे थे। कह रहे थे तो क्या हुआ? वो क्यों करते हैं? वो क्या है, बच्चा होने से पहले सब आशीर्वाद देते हैं ताकि माँ और बच्चे पर कोई मुसीबत ना आए। ये तो पता है, लेकिन हाँ? बताओ वो बच्चा पेट में कैसे जाता है? हाँ, ये कैसा सवाल पूछ रहा है यार। ठीक है, एक काम करो, मुझे 2 दिन का टाइम दो, सोचकर बता दूंगा। अच्छा तो आप एक काम करो, आप सोचते रहना और मेरे लिए कैडबरी लेके आना, तब तक मैं भी सोचता हूँ। ये लो, गॉगल पहन लो। यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आती जाती रहती है, उन्हें घूरते रहना। हाँ। हाय नेहू। नेहू? वो नेहा को शॉर्ट करके मैंने नेहू कर दिया है। यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, मेडिकल स्टोर है ना, तो दवाई लेने आई होगी। नेहा, आप नेहू चाचू, क्या आ रहा हूँ? ये चाचू लड़की के पीछे क्यों जा रहे हैं? ए नेहा, रुको तो जरा। ए देख कर जाना। ए देख कर, तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट होने वाला था। ए उस दिन से लेकर आज तक पूछ रहा हूँ और आप है कि बिना बताए गायब हो जाती है। कम से कम एड्रेस या फोन नंबर तो देना चाहिए ना। पिछली बार जब मिले थे तो किस्मत में रहा तो मिलेंगे कहा था। देखिए मुझे किस्मत विस्मत में यकीन नहीं है। ये क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप चुपचाप चली जा रही है, बात क्या है बताइए ना। ओहो, क्या चाहिए आपको? पता चाहिए मुझे, मैं इतने दिन से आपके पीछे पड़ा हूँ। एटलीस्ट आप वहीं रुक गई, एटलीस्ट एक क्यों दीजिए। क्यों? आपकी उम्र के काफी लोग घूमते रहते हैं उस एरिया में, आके देखिए। ऑटो बेकार में यहाँ से वहाँ घूमना पड़ रहा है। ए बाइक कहाँ गई? लड़की को ऑटो वाला लेकर गया, बाइक को पुलिस वाला लेकर गया। इसीलिए बड़ों ने कहा है काले पैसे के पीछे, जल्दी गाड़ी के पीछे, घूमती लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये तुमने कहाँ से सीखा है? किसी नाटक में सुना था। तेरी तो नाटक दिखता है। चल, चॉकलेट कहाँ है? बहुत मारूंगा तुझे। सब दो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके कहाँ गए थे? लड़की के पीछे। मजाक कर रहा है सर, आदत है। लड़का काफी समझदार लगता है। होगा क्यों नहीं सर, समझदारी तो इसके खून में है। ये लीजिए सर। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। मैं चलता हूँ सर। चले। पार्था, पार्था, क्या है भाभी? मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें से एक भी सामान नहीं आया। क्यों, भूल गए क्या? ए, मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या भाभी? लिस्ट, सामान कहाँ है? सामान ना भाभी, हाँ सभी बेकार का था इसलिए नहीं लिया और आ गया। पैसे कहाँ है? इसी वक्त चाहिए है ना? यही रखे थे मैंने। निकालो। जो पैसे चले गए अब कहाँ से दोगे चाचू? ओ, इतना छोटा होकर झूठ बोलता है। तो पैसे दो ना। निकालो। यही तुम्हारे पैसे यहाँ गए। ये तो पुलिस। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें तो मैं। कौन है? अरे भाभी इसकी बात पर तो मैं चुपचाप बताते हो यार। नेहा। उसका एड्रेस, जात, फैमिली बैकग्राउंड? नेहा, सिर्फ उसका नाम पता है। कितने दिनों से चल रहा है ये? 15 दिनों से। प्यार क्या? खैर छोड़ो ये बात, उस लड़की को पता है? उसे सब पता है भाभी। हाँ। लेकिन प्यार वाली बात छोड़ के। हे भगवान, तुम बहुत ही स्लो हो। तुमसे तो तुम्हारा भाई बेटर है। देखो ये प्यार जब अपने दिल में जागता है ना तब किसी की इजाजत नहीं चाहता। इसी तरह तुम भी किसी बाप के लिए रुकना मत। नहीं भाभी मैं वो भाभी क्या? हाँ, लाइफ इज शॉर्ट, गो फॉर। ये सुना नहीं क्या? आई विल सपोर्ट यू बट ऑन वन कंडीशन। नहीं होगा भाभी। प्यार तुम्हारे मकसद को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहोगे तो ही। कहूँगा लेकिन भाभी बताओ ना अभी यहाँ क्यों खड़े हो? अभी जाकर उससे प्यार का इजहार करो। इसके अलावा दूसरा कोई आइडिया नहीं है क्या? ए, जा कहा ना। ये कैसे होगा? जाओ ना। मैं बोल नहीं पाऊंगा। जाओ जल्दी। भाभी आपके कहने पे जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। ना देखो पीते अब ये जिया I love you। प्यार तो है नादानी सारी उम्र तड़पा दिल ये जिसने दिया दिल लगा ले मौज मना ले बात ना कहना दिल है तुझ पे फिदा दिल है तुझ पे फिदा जाने दे तू मुझे अब जाने दे जब तू घर से इस भरी सड़क पे जाम सा लग जाए आशिक ये शहर के है बड़े मंजरे मुझ पे ये मरते हैं ओ दिल रुबा तो हमसे ले ले बीमार दिल की दवा तू ना बना तो मुझको यूं ना सता प्यार दे तू मुझे प्यार दे पास आजा दूर ना जा तोड़ना दिल को दिल है तुझ पे फिदा हो दिल है तुझ पे फिदा हेलो पापा। हेलो नेहा, कॉलेज खत्म हुआ बेटी? हाँ। पापा आपने दवाइयाँ पूछी थी ना? हाँ। मैं लेकर आई हूँ, इसे ना टाइम टाइम पे बराबर खाइए। टाइम पर लूंगा बेटी। माँ तुमने खाना खाया? सच में? हाँ। झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ काम पे ध्यान देती हो, खाना नहीं खाती हो, और जब दिल करे तब दोने वाले खा लेती। मैं ठीक कह रही हूँ ना? सही कह रही हो बेटी। नहीं बेटी, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तुम कॉफी पियो। ओ आप भी लीजिए। हाँ। माँ मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, कौन है? सर मैं अंदर आता हूँ। मैं माँ जी नमस्ते। नमस्ते सर। ये सब क्या है? तुम कौन हो बेटे? नेहा का फ्रेंड हूँ मैं। नेहा बताया नहीं? मुझे तो लगा तुमने बता दिया होगा। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं सर। एक मिनट सर। सर मैं और नेहा क्लासमेट नहीं है, फिर भी बेस्ट फ्रेंड है। ओह ये प्यार मोहब्बत कैसे हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। यही हमारा रिश्ता है। क्यों नेहा? है? हाँ, 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 हाँ। नेहा मुझे कॉफी चलेगी? कॉफी? तुम चाय नहीं पीती होगी इसलिए सुंदर हो। चाय अच्छी नहीं होती है सर, छोड़ दिया मैंने। हाँ, हाँ। कॉफी में थोड़ी शक्कर ज्यादा ही डालना। हाँ, हाँ। सर नेहा आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती रहती है। क्या बताती है? क्या बताती है? क्या बताऊँ मैं। वो कहती है कि मेरे पिता ऐसे मेहनत करते हैं, वैसे मेहनत करते हैं, और माँ मुझे इतने प्यार से पालती है, ऐसा बोलती रहती है वो। हाँ पागल है वो, पागल है। ऐसी बात नहीं है बेटा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर था। 2 साल पहले मुझे लकवा मार गया और मैं रिटायर हो गया। जो पेंशन मिलती है उसी से घर चला रहे हैं। ये तो पहले स्कूल टीचर भी। ओह अच्छा है, अच्छा। अब ये घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अगर हमारी बेटी नेहा की शादी हो गई तो। आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। क्या? अब मेरा मतलब ये है कि नेहा के क्लोज हूँ, मतलब आपके भी क्लोज हुआ ना। हम एक ही हुए ना। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ऐसे में आप टेंशन क्यों लेते हैं। कॉफी शक्कर डाली है ना? थैंक यू। अरे आराम से पियो बेटा, आराम से पियो। वैसे कॉफी अच्छी बनी है। आज के बाद अगर आपको कोई भी तकलीफ आए मैं हूँ, आप सिर्फ याद कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, आप ठीक है ना? सर मेरा नाम पार्थ है, मैं एमबीए एंट्रेंस के लिए आया हूँ। अगर अच्छी तरह एग्जाम पास हुआ तो मेरा मतलब जरूर हो जाऊंगा, और उसके बाद एक अच्छा सा काम मिल गया तो मेरी शादी करवा देंगे, ऐसा घर वाले कहते हैं मेरे। सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही नहीं, मैं भी यही कहूंगा। पढ़े लिखे हो, हैंडसम भी हो, अरे लड़कियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारे दिल में कोई लड़की बसी है तो बोलो, मैं उसके घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। सर इतनी जल्दी नहीं है, मैं वक्त आने पर बात कर लूंगा। हाँ ठीक है बेटा, सर मैं चलता हूँ। हाँ माँ जी, खुश रहो बेटा। चलता नेहा, कॉफी, फिर कभी आऊंगा, चलता हूँ, बाय। प्यार का इजहार करने आया और बात कहाँ पहुंच गई। हेलो, ये लास्ट बार है, दोबारा हमारे घर में आने की कभी भी कोशिश मत करना प्लीज। देखो नेहा, मैं तुमसे अभी घर में कौन आया था? कौन था वो? देखो वो। तेरी माँ से पूछना हो ना, बताएगी तो, उन्हें सुनाई देता है तो बता। तुम चुप रहो। कौन आया था बता, कौन आया था यहाँ? कोई नहीं आया। मम्मी, रुक्मणी, रुक्मणी में भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? इस घर में अगर एक परिंदा भी पर मारता है तो पता चलता है, और इस घर में कोई मरता कर चला गया। कौन है वो? कौन है वो? मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, उन्हें छोड़ दो। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आया हुआ आदमी तुम्हारे बाप का मुंह बोला बेटा है कहोगी तो उसी तरह भाई समझकर छोड़ दूंगा। अगर तेरे माँ का कुछ लगता है कहोगी तो भी उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए आया था तो ये बिल्कुल मत कहना। दूंगा उसे। मेरे लिए आया था वो मेरे लिए आया था। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, जैसे आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा उसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तेरे बाप के अलावा कोई दूसरा मर्द इस घर में कदम नहीं रखना चाहिए, मैंने कहा था ना। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, आज के बाद अगर किसी ने इस घर में कदम रखा तो उसके साथ तो और लोगों की जाने जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? बात है, हाँ? मुझसे बात नहीं करना चाहती? कुछ तो कहिए मैडम। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। पीछा छोड़ दो मतलब? बताइए क्यों छोड़ दूं? मुझसे कुछ मत पूछिए, हाँ? प्लीज। ये कैसे हो सकता है, हाँ? देखिए मैं वजह जाने बिना छोड़ूंगा नहीं और कोई भी काम बीच में अधूरा छोड़ता भी नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ और आप यहाँ वहाँ देख रही हैं। बताइए आपके घर क्यों ना हो? मुझसे क्या गलती हुई है बोलो? अरे देखिए। क्या है? क्या क्या भगवान के लिए आप यहाँ से जाइए। वो लोग यहीं आ रहे हैं। कौन आ रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप उनके हाथ लग गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से प्लीज प्लीज। मेरी बात मानिए पार्था प्लीज। एक मिनट एक मिनट। देखिए देखिए मेरी बात। लड़की से क्या बात कर रहा है? अरे यार इनसे बात नहीं करूंगा तो क्या तुमसे बात करूंगा? तुझसे पूछ रहा हूँ लड़की से क्या बात कर रहा है तू? कुछ तो बात कर रहा था। छोड़ो ना, तुम्हें क्या है? मुझे क्या है तेरी जात का। हाथ मत उठाना, हाथ उठाना गलत बात है। इतने लोग हाथ उठाएंगे तो कैसे चलेगा? आप इतने लोग बात मत कीजिए, खुलकर बताइए, बैठकर बात करिए, करो खड़े होकर बात करो, मगर हाथ मत उठाओ। ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? तेरी जात का क्या करेगा मैं? ए खुद को संभालो गुरु, दूर रहो और मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ लड़ो मत, ठीक नहीं होगा। तू भी मारेगा? मारना क्या करेगा तू? अब क्या दिखाना होगा? तू दिखा सारे क्या करेगा तू? यानी तुम लोगों को दिखाना होगा क्या? मेरी जात का बिना देखे नहीं मानोगे तुम लोग? हाँ दिखा। हाँ तो ठीक है, हाँ दिखा। है वो देख। क्या पीटी उषा जिंदगी पर दौड़ती रही मगर कभी नहीं थकी। और तुम लोग तो मर्द हो, वो भी बलराम की सेना के। मैं तुम लोगों को वही मार सकता था, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे ज्ञान देना है तो चार लोगों के बीच में दो और मारना है तो चार दीवारी के अंदर मारो। इसीलिए यहां लाया। किसी से दुश्मनी मोल ली है, इस शहर के सबसे बड़े गुंडे बलराम जैसे दरिंदे से। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, अच्छों के सामने सर झुकाना और ऐसे लोगों का सर फोड़ना। देखो नेहा, जब वक्त होता है तो वो बुला लेता है, तभी हम जाते हैं, तो फिर ये किसी की जान क्या लेंगे? क्यों डरें इनसे? ऐसे तड़ीपार लोगों से मैंने जिंदगी में डरना नहीं सीखा। अब चलो। मैं नहीं आऊंगी। तुम इनसे डर क्यों रही हो? अगर जीना है तो डरना पड़ता है। मैं हूं ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम हो इसीलिए डर लगता है। भगवान के लिए मुझे अकेले को जीने दो, तुम इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। तुम इस शहर में नए हो, ये बात उनको पता नहीं है। अगर उनको पता चला कि तुम मेरे पीछे पड़े हो तो तुम्हें मार डालेंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे दिल में मुझे पाने की भावना है तो उसे अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दो। मेरे पीछे कभी मत आना, मुझे भूल जाओ। तुम्हारे दिल में मुझे पाने की भावना है तो उसे अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दो। मेरे पीछे कभी मत आना, मुझे भूल जाओ, प्लीज। जिया न जाए, एक पल भी रहा न जाए, दर्द दिल अब सहा न जाए, तड़ पाती है जुदाई। चल रहा है ये दिल मेरा, घुट रहा है ये दम मेरा, रुलाए है ये गम तेरा, प्यार मेरा दे दुहाई। टूटा है यार है, लूटा ये प्यार है, दुनिया मेरी है जली, टूटा ये ख्वाब है, हुई अब हार है, खुशियाँ मुझे ना मिली। ढूंढे तुझे निगाह है, कोई है तू कहाँ, यादों में जा तेरी खुले। दिन मेरे तन्हा ये रात है वीरानी है जीवन में आंसू ही मिले दर्द ना घटे उदासी है मन में मेरे दर्द गम की तू ही है दवा तेरे सिवा नाएगी काम कोई दुआ आ जाए एक बार यहाँ तेरे बिन अब जिया न जाए एक पल भी रहा न जाए दर्द दिल अब सहा न जाए तड़पाती है जुदाई चल रहा है ये दिल मेरा घुट रहा है ये दम मेरा रुलाए है ये हम तेरा प्यार मेरा दे दुहाई टूटा है दिल मेरा टूटा है सब मेरा। नेहा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तुम चुपचाप चली जा रही हो। प्लीज मैंने उसे कहा था ना मेरे पीछे मत आना मुझसे बात मत करना। मगर क्यों बात ना करूँ बोलो। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें समझता हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए यहाँ आता हूँ मैं। नो, मैं आपसे प्यार नहीं करती। झूठ बोलना भी नहीं आता तुम्हें। मेरी आंखों में देख कर कहो मुझसे प्यार नहीं करती। सभी जवाब आंखों से नहीं दिए जाते। लेकिन प्यार आंखों से जाहिर हो जाता है। ये आपका वहम है। एक बार बोलने से आपको समझ में नहीं आता क्या? हाँ, समझ में तो आ रहा है। तुम्हारा झूठ बोलना नाटक करना और तुम डरती हो ये समझ में आता है। ए, आज डर रही हो। उस दिन मंदिर में जब घंटी बजाई थी तब कान बंद किए थे तुमने। आंखें भी बंद कर लेनी चाहिए थी उसी दिन। मुड़ के क्यों देखा तुमने? आंखों से दिल में उतर गई तुम। नेहा, तुम्हारी दरगाह में की हुई हर बात से मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत जागी। हाँ नेहा, देखो उस दिन चर्च में तुमने जो थैंक्स बोला ना, सच कहता हूँ प्यार बनकर दिल में उतर गया। प्यार तुम भी करती हो मगर छुपा रही हो। मेरे प्यार को समझो प्लीज। बात करो नेहा। नेहा ए, वो दे नेहा के साथ कौन बात कर रहा है? पता नहीं। मैं बोलता जा रहा हूँ तुम चलती जा रही हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं पागल हूँ। देखिए बोलो। मैं बोलूंगा। तू क्या बोलेगा? मुझे क्या बोलेगा? कौन हो तुम लोग? सालों तुम लोगों का मुझसे रिश्ता क्या है, तुम लोग उसका पीछा क्यों करते हो? ए, क्या बे? हम जो पूछना है वो तुम हमें पूछ रहे हो? तेरी जात का मुझसे पूछेगा बे तू? को यही ढेर कर सकता हूँ, लेकिन जिसने तुम्हें भेजा है उसे इस बात का पता चले इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसे बता देना। सकते हो तो कोई तेरे घर में नहीं घुस सकता क्या? मेरे साथ कुछ भी कर, मगर तो कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरी ही फैमिली है क्या? है तुम्हारी नहीं है? अगर मेरी फैमिली को जरा भी कुछ हुआ ना तो तेरी फैमिली खत्म समझ ले। हाथ हटा, हाथ हटा। सुन, आज के बाद तो किसी के भी घर में बिना इजाजत के घुसने की गलती दोबारा मत करना, ठीक नहीं होगा। अब जरा जिस जगह पे तू खड़ा है उसे तुरंत खाली कर, खाली कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो रे, चलो निकलो, चलो चलो। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं। कौन लोग थे ये? मैं नहीं जानता। गाड़ी स्टार्ट कर। चल। माफ कीजिए, मुझे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं सबसे कहता था मारपीट मत करो, गुंडागर्दी मत करो, और अब मैं ही आई एम सॉरी। डर लगा। I'm sorry, दोबारा नहीं होगा, ठीक है? एक मिनट, पकड़ो। चॉकलेट शेयर करना है? ये क्या अंकल, कभी आप चाकू दिखाते हो तो कभी आप चॉकलेट भी देते हो। वो मजबूरी थी, और ये जो है वो प्यार है। हा? मेरे घर में भी एक है जो मुझे तुम्हारी तरह अंकल बुलाता है। शेयर करोगे ना? लो। अंकल, अंकल आपका नाम क्या है? पार्था। मतलब क्या? इतना भी नहीं जानती? मजला भाई पांडवा का अर्जुन। सब ठीक हो ना? गुड़िया ठीक हो ना? कुछ हुआ नहीं ना? कुछ नहीं हुआ। माँ ठीक हो ना? हम अब तक तो ठीक ही है। अब तक मतलब दूसरों के घर में घुसते थे तुम, और आज तुम्हारे ही घर में घुसकर हम सबको डरा कर गया है वो। तुम्हारा भी बाप निकला है वो, समझो। अब तो हमें भी जान का खतरा है ना? डैडी, उस अंकल ने पहले गले पर चाकू रखा था डैडी। डैडी वो अंकल बहुत अच्छे हैं डैडी। डैडी उन्होंने हमें चॉकलेट भी दिया। हाँ, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। तुम लोग डरते हो या नहीं ये देखने के लिए एक छोटा सा नाटक करवाया था बस। डैडी डैडी चलो चलो बहुत बातें हो गई, अब चलो पढ़ाई करनी है। लो लीजिए। पार्था तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होगा? कोई 4-5 गुंडे घर में घुसकर पार्था कहाँ है पार्था कहाँ है कहकर तेरे भाई को मारने आए थे। कौन है वो? हा? क्या बात है पता ना? मेरी उनके साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी। मुझे नहीं पता था बलराम के आदमी हैं। उन लोगों ने खुद को हीरो समझकर उस पर टूट पड़ा ना। समझता है क्या आपने आपको है? जिस जगह पर गुल हो ना वहाँ मक्खियाँ आती हैं, लेकिन हमारे घर में मक्खियों के साथ मच्छर भी आ रहे हैं। ए, जाओ ना जाओ। यहाँ भी चैन से जी नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो? हाँ वो कह रहा है अनजाने में गलती हो गई, अब नहीं होगी। ए बोल दिया ना गो। भाभी मेरी बात सुनो तो सही। जाओ ना। मम्मी हाँ शायद तुम्हारी आंखों में कचरा गिरा है। नहीं तो फिर चाचा से बात करते वक्त तुम्हारी आंखें क्यों बार बार झपक रही थी? पता नहीं सब मुझे चुप क्यों कराते हैं। हेलो हाँ क्या है? नजदीक तो आओ। क्या नजदीक का कहा था? क्या है? आंख में कुछ गिरा है ना? नहीं नहीं ऐसे देखने दो देखने दो। ए स्टूपिड। डैडी कचरा निकल गया क्या? ए बहुत खेल लिया, जाके सो जा। स्नेहा है। हाँ? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। किसके बारे में? नेहा के बारे में। नेहा वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी, माँ बाप के साथ अपने दोस्तों के साथ। नेहा हमेशा हंस खेल कर रहती थी। उसका हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए सारा कॉलेज बेचैन रहता था, और फिर अचानक उसके हंसते खेलते जिंदगी को किसी की नजर लग गई। जिंदगी में अगर कोई बीवी हो तो उसके जैसी होनी चाहिए। जिस माँ बाप ने इसे पैदा किया है उसके हाथ चूमने चाहिए। ये किट्टी अगर चूमता है तो सिर्फ हसीनाओं को, पैदा करने वालों को नहीं। अब जब मैंने इसे पसंद कर लिया है तो कोई भी इसे आंख उठाकर नहीं देखेगा। ऐसी हसीना को पैदा करने के लिए तेरे बाप को सलाम करता हूँ। तुम मुझे पसंद हो, अब से मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुमसे शादी भी करूँगा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। शट अप, ये क्या बेहूदगी है? मैं तुम्हें पसंद आ गई तो क्या मैं भी तुम्हें पसंद करूँ? बिल्कुल करना होगा, पसंद नहीं है तो आदत डालो। अब देखा ना, इस कॉलेज में नई चीजें नहीं सिखाई जाती तो बढ़ती नहीं हो, उसी तरह करो। विद्या भविष्य है, शादी जिंदगी है, वो मैं जिससे चाहे उससे करूँगी। मैं जिसे चाहूँगा उसी से शादी करूँगा। अगर तुम्हें नहीं चाहता बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगा। पुलिस मुझे जानती हो, इस शहर के भाइयों का भाई का छोटा भाई कृष्णा उर्फ टिट्टी। देखो, इस पूरे शहर में चारों तरफ मेरा राज है, अगर तुम्हें जीना है तो मुझसे शादी करनी होगी। जब उसने शादी की बात सब स्टूडेंट के सामने कही, ये गलत है जानते हुए भी किटी से टकराने की हिम्मत नेहा में तो क्या किसी मर्द में नहीं थी। पार्टी में कितना मजा आया ना? अच्छा हाँ। तुम दोनों ने अच्छी पार्टी मिस की, क्या आ नहीं पाए। हाय नेहा। हाय सुरेश, कुछ काम था क्या? वो क्या है कि तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए चांस मार रहा है। तू चुप बैठ। बोलो सुरेश। भूल गया था, ये लो। थैंक यू। तुमसे कुछ बात करनी थी। शाम को मिलोगी क्या? This is too much. तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा? ये लड़की किट्टी की जान है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी? इस कॉलेज में किसी की भी नजर यहाँ पर पड़ी तो, अगर पड़ी तो सीमा, इस फॉर्मूले का आंसर पता है? सीमा, प्रिया, प्रिया, इस फॉर्मूले का आंसर पता है? आई एम सॉरी प्रिया, प्रिया प्लीज। तरुण, ये फॉर्मूला। राजू, सुजाता, जरा सुनो तो। स्नेहा, रमिया, मैंने ऐसा क्या किया है कि सब लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे? चलो चलो। स्नेहा, स्नेहा, उस दिन जो वार्निंग उसने दी, उस दिन सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उससे दूर हो गई और नेहा अकेली पड़ गई। What is this? हाँ, ये बुक है, ये पेन है, लिख रहा हूँ आंसर है, तेरा काम देख चल। शर्म नहीं आती कॉपी करते हुए? एक्सक्यूज मी मैडम। यस मैडम, ये बुक देख के कॉपी कर रहा है। बुक निकालो, बुक निकालो। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। देख लूंगा। दे दिया, दूसरों की जिंदगी खराब करके तुम खुश रहना चाहती हो? मैंने ये खुशी के लिए नहीं, न्याय के लिए किया है और वो मुझे मिल गया, इतना काफी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, न्याय के बदले में अन्याय भी तो होना चाहिए। अजय, एक स्टूडेंट होते हुए क्लासमेट से कैसे पेश आना चाहिए तुम्हें पता नहीं है? अब चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम पर एक्शन लिया जाएगा। अब आज मेरे हाथों से तू बच गई, लेकिन कल तुझे कौन बचाएगा मैं देखता हूँ। गुरु, सारे टीचर्स वेटिंग करके तुम्हें लाइफ लॉन्ग डिवार करने के लिए एजुकेशन बोर्ड को नोटिस भेजा है। लाइफ में कोई कॉपी नहीं करता क्या? मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अगर वो प्रोफेसर नहीं आता तो मैं उसे... अब तुम क्या करोगे गुरु? उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। कोई उसे प्यार नहीं करेगा, मैं उसका रेप करूंगा। सच कह रहा हूं मैं। किटी, किटी प्लीज इस बार मुझे माफ कर दे। किटी, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा प्लीज। किटी, किटी प्लीज, किटी प्लीज, किटी प्लीज, किटी गलती हो गई। एग्जाम में कॉपी कर रहा था करके तुमने उसे पकड़वाया, इसीलिए तुम्हें रेप करेगा ऐसा पब्लिक में बोल रहा था। तुम मेरी हो ये जानते हुए भी सोचा होगा कि ये किट्टी इसका क्या बिगाड़ लेगा। रेप कर, रेप कर। ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप, रेप कर। गलती हो गई। कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो काट डालूंगा उसे। तू रेप करेगा और मैं देखूंगा। अच्छा, मेरी नेहा पर कौन सा हाथ डाला था? मैंने क्या कहा? मैं इससे शादी करने वाला हूँ, इसे कोई भी ना देखना कहा था ना। इसके बावजूद भी तुमने इसे छुआ ना। तुम्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ दिया तो ये किट्टी सिर्फ बोलता है कहेंगे और करता कुछ भी नहीं है। ये सब मुझ पर हंसेंगे, है ना? मुझे भी तुम्हें मारने का शौक नहीं है, पर किट्टी एक खतरा है नाम का टाइटल मिट जाएगा ना। जान जाती है तो जाए, पर टाइटल नहीं जाना चाहिए। हे, मेरी नेहा को इसी हाथ से छुआ ना। मुझे हाथ दे दे, मुझे ये हाथ दे दे अजय। मुझे कुछ मत करना किट्टी, ना मुझे कुछ मत करना किट्टी। मुझे ये हाथ चाहिए, मुझे ये हाथ चाहिए, मुझे ये हाथ चाहिए। इसी डर की वजह से तुम्हारा प्यार वो दिल में छुपाए बैठी थी। अगर किटी को छोड़कर उसने तुमसे शादी की तो कहीं उसकी फैमिली को खतरा न हो ये सोचकर चुप बैठी। बेचारी इंसान होते हुए एक पत्थर की तरह जिंदगी जी रही है। उस दुखी लड़की का दर्द समझकर उसे इस डर से आजाद करो पार्था। Salt with sodium chloride solution. When the soap separates out as a solid, salting out of the stone and made into cake, worked up to recover. Excuse me, madam. Yes. Can I speak to Neha for 5 minutes? Okay, 1 minute. You may go now. If caustic soda NaOH is used, hard soap. पार्था, मुझे क्लासरूम से बुलाने की ऐसी क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। No, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे खुश देखना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, रोने के लिए। मैं क्यों रोऊं? तुमसे प्यार की हुई गलती के लिए मैं भी रोया हूँ, तुम्हें भी रोना चाहिए। रो, रो, रो तुम, रोना पड़ेगा तुम्हें, रोना पड़ेगा, तुम्हारे दिल के दर्द को याद करके रोना होगा तुम्हें। टिक्की जैसा गुंडा तुम पर फिदा होकर तुम्हारे पीछे पड़ गया, ये सोचकर रोना होगा तुम्हें। रो, उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त दूर हुए, इसलिए रो। अपनी जिंदगी अपने ढंग से नहीं जी सकती, इसलिए रो। उससे शादी करके जिंदगी भर रोती रहोगी, ये सोचकर रो। रो, रो और रो, जोर से रो, रो और जोर से रो। तुम्हारा ये रोना दुनिया को सुनाई दे, ऐसे जोर से रो। रो, रोना होगा तुम्हें, रो। जोर से रो, रोना होगा तुम्हें, और रो, जोर से रो। आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी, कभी नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू आए भी तो वो खुशी के होने चाहिए, दुख के नहीं। तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज के बाद तुम्हारे हर प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी खुशी मैं लौटाऊंगा। तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा न चुभे ऐसा मैं क्यों न करूं? इसे तो मेरा स्वार्थ मत समझना, चाह समझना। तू आह आह आह, बाहों में तू आह आह आह, मेरी तरफ जब देखे तू दिल धक धक बोले आह आह आह, हो सामने जब मेरे आए तू पलकें झुक पाए ना, दिल में तू तेरे बिना लागे नहीं अब मेरा ये दिल, अब तो है तू ही सनम बस मेरी मंजिल, तेरे सिवा चाहूं नहीं मैं किसी को सनम, हर चरम पाऊंगी मैं बस तुझी को सनम, दिल में है तू ही मेरे, ख्वाबों में तू ही तू, सांसों में तू ही मेरे, बातों में तू है, दिल तेरा जान तेरी मैं तेरा, दिल में तू आ, 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 बाहों में तू आ, 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 मेरी तरफ जब देखे तो दिल धक धक बोले ओ, सामने जब मेरे आए तो पलकें झुक पाए ना, तेरा सपना सारे जहां में लगे तू मुझे अपना, प्यार मेरा सच्चा सनम तू यकीन कर ले, नाम तेरा लेता हूँ मैं चाहे कसम ले ले, छोड़ के मुझको जाना तू कभी जाना के दिल तू सनम मुझे तड़पाना नहीं, तू मेरा है बस मेरा साथिया, दिल में तू आह आह आह, बाहों में तू आह आह आह, मेरी तरफ जब देखे तू दिल धक धक बोले आह आह आह, ओ सामने जब मेरे आए तो पलके झुक पाए ना। कटे कटे तुम्हारा भाई तुम्हें ले जाने आया है। मुझे पहचानती हो ना? मैं कभी नहीं आऊंगा ये सोचकर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था ना? हाँ, जेल में सड़ता रहूंगा समझा था। मैं मर भी गया तो भी तुम्हारे लिए दोबारा जन्म लेकर आऊंगा। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो, लेकिन आवारा की तरह दर बदर भटक रही हो मैंने सुना। और मैंने सुना है कि तुम किसी और से लव करती हो। करो, जरूर करो। कौन प्यार नहीं करता? ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, ऑटो में, पार्क में, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी लव कर रहे हैं। सभी लोग प्यार कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। करो। कल सुबह 10:29 तक ही करना, उसके बाद मत करना, क्योंकि 10:30 बजे मैं तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा। देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह जानती हो ना? ये किट्टी जब मारता है तब बहता हुआ किसी का खून नहीं देखता, बल्कि जान जाने तक उसे मारता रहता है। ये याद रखो, याद रखो। सुबह मंडप में मुस्कुराते हुए नजर आना, ठीक है? बाय। क्या हुआ भाभी? छोटू, भाभी 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 मैं चल गया था। सुना है तेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसे तो मैं माफ कर दो भैया। इस छोटे भाई ने अगर तुम्हें कुछ दिया है तो बस दर्द, जिंदा। मेरी वजह से भाभी को काफी दुख झेलना पड़ा। इस प्यार को पाकर सोचा था कि जिंदगी में बहुत सी खुशियां आएंगी, लेकिन इसी प्यार की वजह से घर वालों को तकलीफ होगी, उनका सुख चैन मिट जाएगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। सबको दुख देने वाला ये प्यार मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्यार किसी को दुख नहीं देता। प्यार का इम्तहान दिए बगैर भाग जाने वाले लोग मर्द नहीं होते, कायर होते हैं। प्यार जो है आग में जलते हुए लोहे की तरह है, उसका रंग तो बदलता है मगर मजबूती वही रहती है। देखो, प्यार सबके दिल में होता है, मगर जो अंगारों पर चलकर इस प्यार को जीतने की ताकत रखता है वही उसका असली हकदार होता है। तुम में वो हिम्मत है। बुरे लोगों से अच्छे से पेश आना हमारा धर्म है, मगर जुल्म कभी भी नहीं सहना चाहिए। गुनाह के आगे सर झुकाना मर्दानगी नहीं होती। तुम उस लड़की को लेकर आओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन चोरी छुपे नहीं। उस बलराम किटी से लड़कर उन्हें बताओ ये सिर्फ शादी नहीं है, युद्ध है। कईयों की हाय लेने वाले वो पापी जीतेंगे या इंसानियत की पूजा करने वाले हम जीतेंगे, देख लेते हैं। था उन्हें यह बताओ, हम अपने पिता के दो बेटे हैं। एक जब आता है तो ज्ञान देता है, दूसरा जब आता है तो राख कर देता है। आपने कह दिया ना, बहुत हो गया। मैं तो सिर्फ राख नहीं बनाऊंगा, पानी में बहा भी दूंगा। बट फॉर चेंज, गंगा नदी में नहीं, गटर के पानी में। मैं तू नाम सुनेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो हूं मैं, तेरा सुख चैन मिटाया, तेरे भाई को जेल से भगाया, दोनों के लिए एक सवाल बनकर खड़ा। डरने वाले को डंडा, कानून को जेब में रखने वाले को गुंडा मानता था, और असाद को डराने धमकाने वाले तुम जैसे जड़े गुंडे कैसे बन गए रे? मजा रखा था ना तुम्हें, कहा था ना? उस दौर में एक औरत की आंखों में आंसू लाने से महाभारत हुआ था। इस दौर में एक बेबस औरत की आंखों में आंसू लाकर तुमने भी महाभारत शुरू किया है। 18 दिन चला था वो महाभारत, और ये महाभारत सिर्फ 18 घंटों में खत्म करके तुम्हें मुक्ति दूंगा मैं। एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन पार्था का उठाया हुआ कदम वापस नहीं आ सकता। इतने दिन चुप रहा तुम्हारे डर की वजह से नहीं, मेरे भाई की इज्जत की वजह से। जब उन्होंने इजाजत दे दी तो जो उखाड़ सकते हो अभी उखाड़ लो। जिस मंदिर में तुम जबरदस्ती एक लड़की की शादी अपने साथ करवाना चाहते हो, उसी मंदिर में मैं उसे नई जिंदगी दूंगा। और इसे तुम क्या, तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी आए तो रोक नहीं सकता। हा? 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 कल ये वहां जाएगा क्या? तुम भी ना बलराम, साला कोई बच्चा आया और बेकार में बड़ी बड़ी बातें कर गया ये सोचकर तुम इसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? वो बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा वो। ये क्या कह रहे हो भाई? वो क्या चीज है? उसे अपने बारे में क्या पता है? अगर आएगा तो हमसे बचकर जाएगा क्या? हम पर भरोसा नहीं है भाई, हम किस लिए हैं? अगर वो सुबह उस जगह पर गया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटियां कुत्तों को खिला देंगे। हमारी बात छोड़ो भाई, वो आपके सामने क्या टिकेगा? आपका सामना करके मंडप में घुसकर नेहा को वहाँ से ले जा सकता है क्या? वो ले जा सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, वो जरूर आएगा। भाई भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। कोई मेरे सामने आकर तो बात क्या बोल गया तो बजाय उसे मारने के वो आएगा क्या पूछते हो? वो आएगा कहते हो? हाँ, क्या मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्या? वो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। ये क्या रात को फोन करके अर्जेंट आने के लिए कहा? मैं कैसे आती? और तेरी शादी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अब शादी इतनी अचानक फिक्स हो गई तो मैं क्या करती, इसीलिए बुला लिया। शुक्र है आई तो सही। स्नेहा कहाँ है? यहीं पे गई होगी। हो रही। हाय, मैं जरा उससे बात करके आती हूँ। बाय। क्यों रो रही हो? बेटी की शादी है ना, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। ओहो, पापा, आपको किस बात की फिक्र है? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है ठीक है, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, जल्दी आइए। अरे रे, दोस्तों से मिलना तो भूल ही गई। मैं 1 मिनट में आई। हाँ, फ्रेंड्स होकर भी इतने देर से आए ना। वैसे तुम लोग आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। स्नेहा, ये चेन देख, ये झुमका देख, अच्छा है ना? किटी, जो तुम्हें शादी ही नहीं करना चाहती थी वो आज इतनी खुश लग रही है, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। ए, चली मत जाना, बाद में मुझसे मिलना। ओके शाबाश, मेरी बात को अहमियत देकर तुम्हारे दिल में बसे प्यार को इतनी जल्दी मिटा दोगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। एक बार जब प्यार हो जाता है तो वो मिटता नहीं है। जानता हूँ प्यार मिटेगा नहीं, इसलिए प्यार करने वाले को ही मिटा दिया। ये तुम्हारा वहम है। पार्था को तुमने छुआ होगा लेकिन उसकी जान को नहीं छू सकते। मेरा पार्था जरूर आएगा। क्या डरा रही हो? पार्था, पार्था का सिर्फ नाम लिया तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई। अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारी सांस ही थम जाएगी। मैं रोने के बजाय हंस रही हूँ, इसलिए आश्चर्य हो रहा है ना? मैं नहीं रोऊंगी, मैं कभी भी नहीं रोऊंगी, ऐसा पार्थ से वादा किया था। किसे बता रही है तू? शादी होते सब वादे खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें मैं। ए, जो खुद तैयार है उसे जबरदस्ती क्यों करते हो? छोड़ो, मैं खुद चलूंगी। चलो। ओ भाई साहब, बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आइए। तुम इस तरह क्यों खड़े हो? आओ बैठो। अरे रे, हार पहनने के बजाय क्या सोच रहे हो? हार पहनो। नाजुक एक एक सर कटने के बाद उठकर आया हुआ रावण, खून से बार बार पैदा होकर आने वाला रक्त बीज, उसी तरह तुम्हारे मार से बचकर अपनी जान हथेली पर रख कर आया है पार्था। सुनो सारे हिजड़ों, महाभारत में कृष्णा को भगवान कहकर हाथ जोड़े, बलराम को मित्र मानकर गले लगाया, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पापियों का नाश करने के उद्देश्य से। लेकिन आज ये पार्था इस दुष्ट बलराम की पाप की नगरी को मिटाने के लिए दोबारा जन्म लेकर आया है। आओ देश के हर कुंडे को सुनाई देनी चाहिए। तेरी ये मौत की चीख सुनकर आज के बाद कोई भी गुंडा हथियार उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चिल्ला, दूसरों पे चलने वाला ये हथियार आज जब तुझ पे चलने जा रहा है तो कैसे क्या बाहर निकलता है देख रहा है? दूसरों की जान लेने वाला तेरे जैसा पापी अपनी जान की फिक्र क्यों कर रहा है? तू जानता है जान क्या होती है? एक कहीं तो दूसरे के बारे में सोचता है। तू बहुत बड़ा गुंडा है। अगर इससे मैंने तेरा काला काट दिया तो कल से मैं बड़ा गुंडा बन जाऊंगा। ये तलवार नहीं जानती कि कौन बलराम है और कौन पार्थ है। ये किसी की भी जान ले सकती है। कर गुंडागर्दी पर अन्याय के विरुद्ध कर, भ्रष्टाचार के विरोध में कर, लेकिन वो तू नहीं कर सकता। जानते हो प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दिल होते हुए 4 लोगों को प्यार नहीं पा सकता तू। तेरी जिंदगी किस काम की है? तू प्यार को प्यार से जीतना चाहिए, गुंडागर्दी से नहीं। आज तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मेरे दिल में अभी प्यार है। अभी झीले चाची शादी करने चल दिए। वो क्या तुम्हारी जागीर है? मेरे पति जब तुम्हारी जबरदस्ती की शादी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो लड़की तुम्हारी जागीर है? बच्ची फेल हो गई इसलिए उसके टीचर को ही मारने चले तुम्हारे भाई। जो अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दूसरों की बेटियों को बर्बाद करने के लिए तुम लोग तैयार कैसे हो जाते हो? ऐसा मत करो, हमारे घर में 3 बेटियां हैं। अगर औरत के मन से खेले तो इसका पाप 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। रामायण में लिखा है कि राम ने रावण को बार बार चेतावनी दी है, इसीलिए नहीं कि वो लड़ नहीं सकता था, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करे। इसीलिए उसी तरह इस पार्थ ने भी तुम्हें एक मौका दिया है। मैं कहती हूँ तुम दोनों अभी भी मौका है, तुम सुधर जाओ। एक अच्छे पति नहीं बने, एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। तुम्हारे इस मंगलसूत्र को मैं गले से उतारती हूँ। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। किटी, उसने जो कहा वो सही है। लक्ष्मी की बात भी सही है। हम हथियार उठाकर लोगों को मार तो सकते हैं, पर उनके विचारों को नहीं। सिखा दे तू मुझे ये प्यार, सिखा दे तू मुझे। है इश्क चीज क्या, बता मुझे। ये जादू क्या हो रहा